हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं समय 7:04 और मैं चली हूँ अपना काम स्टार्ट कर। हो चुका है मेरा नाश्ता पानी वगैरह तो होता, और मैं चली हूँ कपड़ा धुलने। कल के कल मैं कपड़ा धोई थी, थोड़ा सा कपड़ा मेरा बाकी रह गया था जो मुझे धुलना था, तो मैं उसे नहीं धो देती, तो मैं सोची चल रही हूँ धुल लेती हूँ, तो आप लोग से फिर बातें करती हूँ। तो गाइस, मेरा कपड़ा धुला रहा है ऑलमोस्ट। मैं अपने मशीन को चला चुकी हूँ, मशीन मेरा चला। मेरा आवाज कर रहा मशीन क्यों? चो चो लग रहा, वो भी हमें धोखा दे। मेरे मशीन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो रहा वॉशिंग मशीन में, अब मुझे उसे दिखाना पड़ेगा। वो हो रहा है क्या कि मैं ऐसे भी जब घुमा रही हूँ उसका राउंड घूमने के लिए, तो वो खटाक से थोड़ा सा चल रहा है दो राउंड, उसके बाद हो रहा है खटाक से उसका ऊपर की साइड में आवाज़ करके हो जा रहा। कुछ प्रॉब्लम होगी, अब वो आएगा मैकेनिक, वही देखेगा वही सही करेगा। अब क्या है वो तो हम नहीं जानेंगे। और पापा जी का कपड़ा मैं तो हासिल हूँ, यही सब था। और मैं आज आप लोग के साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छी क्या, बहुत लोग इसे शेयर करते होंगे, बट मैं आज आप लोग के साथ साथ पहली बार शेयर करने करूँगी। वो है कटहल की सब्ज़ी। जैसे कटहल की सब्ज़ी दो तरीके से होती है, कटहल दो तरीके का होता है। सब्जी तो कई तरीके से लोग बनाते हैं, कैसे भी बनाते हैं, सबका अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना तरीका होता है। बट मैं बताती हूँ उस, लेकिन स्वाद और बेस्वाद कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, उसे मैं बता रही हूँ कि कटहल दो तरीके से आते हैं। एक कटहल होता है, एक कटहरी करके होता है। तो कटहरी जो होते कटहल होता है उसकी सब्जी में स्वाद अच्छी नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी अच्छी जो कटहरी होती है वो उसकी सब्जी होती है। अब जैसे आप कभी ट्राई करिएगा, जब भी जाइएगा मार्केट में, तो आप बोलेगा एक बार आप कटहल ला के खा के चेक करिएगा किसका क्या स्वाद होता है अच्छे से बना के। और जो मैं बताने का तरीका तो बताऊंगी, वो तो आप देख ही लीजिएगा तभी कहेगा। कटहल एक बार आप बना के चेक कर लीजिएगा किस तरीके से होता है, उसके बाद आप कटहरी लाइएगा और कटहरी की सब्ज़ी आप उसी तरीके से वैसे बनाइएगा, देखिएगा सबसे टेस्टी सबसे अच्छा कौन होता है। जैसे होता है ना कटहल कटहरी नाम क्या, जैसे जेंट्स लेडीज टाइप में लग रहा ना, वही चीज़ समझिए। वो सेम टू कटहरी होती है, छोटी छोटी होती है, उसके स्वाद बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। उसमें बीए कम होते हैं, बीए अधिक होता है उसका, मोटा वाला उसमें कम होता है और बहुत अच्छी होती है। और कटहल वो होता है ना बड़ा बड़ा रिसा उसा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, उसका स्वाद भी बहुत अजीब तरीके से होते हैं। तो आज मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मैं कटहल ही मैं कटहल आया था तो बनाई थी, मुझे अच्छा नहीं कटहल लग रहा था, इसलिए मैं उसका रेसिपी भी उतना शेयर नहीं की, मुझे पसंद भी नहीं आता। आज कटहल ही पापा ले आए हैं तो आज मैं उसे बनाऊँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और करके आप एक बार उसे बनाइएगा, जो कटहल ही ला के कटहल नहीं कटहरी तो खाकर आप चेक करिएगा कितना अच्छा है। तो चलिए, जब मेरा रेसिपी शेयर करूँगी तब तो आप लोग देख लेंगे, उसके बाद आप लोग करिएगा। तो चलिए अभी मैं, तो गैस देखिए ये है कटहरी, ये 3 पीसेस इसका देख रहे हैं, ये छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो कि ये भी ये देखिए अच्छा, इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। अभी अभी ये 3 पीस है जो मैं इसे कट करूँगी और तब मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। हेलो गाइस, देखिए ये देखिए मेरा कटहल, जो कटहरी बोले थे कटहरी कटहरी है जो मेरा कट के मैं पीस पीस अपना तैयार कर ली। तो मैं छोटा छोटा पीस देखिए इस तरीके से काट ली हो, ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पीस पीस ऐसे कटा ही रहेगा और खड़ा खड़ा गलेगा नहीं। ये मेरा प्याज है जो देखिए, प्याज भी बहुत ज़्यादा मैं प्याज नहीं डाल, लहसुन की कुछ कलियाँ, ये देखिए एक ही लाल मिर्च बचता, थोड़ा कलर के लिए मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये जीरा है, ये मिर्च है काली, और गर्म मसाला मेरा पिसा हुआ पूरा सारा, इसलिए मैं उसमें नहीं थोड़ा चैप लेती हूँ। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्याज वो नहीं डालूंगी क्योंकि पापा जी को दिक्कत होती, बस थोड़ा थोड़ा डालूंगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं तैयार कर रही हूँ। अब चाय पीने के बाद मैं इसके साथ कढ़ाई रख दी हूँ, अब ये मिक्सी के जार में मैं जीरे को डाल लेती हूँ और फिर मिर्च जो 2-4 दाने हैं उसको डाल, बस ये फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल दे रही हूँ क्योंकि मसाले तो मेरे ऑलमोस्ट वैसे ही तैयार है सारे। तो यही था। और देखिए कुछ इसे ये लहसुन की कलियां हैं जो इसको भी मैं ले ली हूँ क्योंकि मैं डेगी रेड मिर्च नहीं डालती हूँ, पापा जी को कलरफुल अच्छा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और ये प्याज है, इन सबको मैं मिक्सी में डाल के पीस ली रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे डाल ली हूँ, मैं जा रही हूँ इसको पीसने। कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई में पहले मैं तेल डाल देती हूँ
कढ़ाई थोड़ी मेरी गर्म हो रही है, तो हो जाए तो इसमें मैं पहले तेल डाल देती हूँ। ये देखिए तेल डालने जा रही हूँ। अब तेल डाल के थोड़ा सा मैं अपने पहले कटहरी जो है मेरा कटहरी हाँ उसे भून लेती हूँ। थोड़ा सा भूनने से होता है ना और भी अच्छा हो जाता है। बस एक ही सीटी दो सीटी दिलाने पे काफ़ी ज़्यादा खूब अच्छी सी सब्ज़ी बन जाती है, इसलिए मैं इसे पहले थोड़ा सा तल ले रही हूँ। और तलने के बाद फिर मैं इसे सारा कुकर में बनाऊंगी। इसे अभी तो ऐसे कर रही हूँ, तो ये देखिए कुछ अच्छे से मैं तल रही हूँ। अभी इसे तल के फिर मैं इसे निकाल लूँगी, फिर मसाले को मैं कुकर में तैयार करूँगी। ये देखिए कुछ ये भुना गया मेरा इस तरीके से, जो मैं इसे अब चल रही हूँ निकालने। इसे निकाल लेती हूँ, निकालने के बाद इसे इसको ऑफ कर देती हूँ और फिर कढ़ाई में मैं कुकर में चढ़ाऊँगी। इसके बाद मसाले मेरे पीछे आ गए हैं, वो जो ग्रेवी थी लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब था, इसे ग्रेवी बोलते, पेस्ट भी अदरक मैं भूल गई थी, अदरक अभी ये एक इंच जो मैं डाल रही हूँ। और अदरक डालने से होता है क्या, थोड़ा स्वाद भी अच्छा होता है और जो उसमें गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो थोड़ा सा वो हट जाता है, हट करता है। और ये देखिए मैं कुकर चढ़ा दी हूँ, तो अब देखिए इसे कुकर मेरा गर्म हो जाता है, तो फिर इसमें भी मैं तेल डालती हूँ। और तेल डालने के बाद फिर मिर्ची मैं बहुत थोड़ी सी डालना चाह रही हूँ, इसमें डालना नहीं चाहिए, एक ठो मैं पीसी ली हूँ। और ये जो है इसमें थोड़ा सा प्याज का मैं डालूँगी, और तेल पहले डाल लेती हूँ उसके बाद मैं प्याज को, थोड़ा सा तेल मेरा गर्म हो जाए अच्छे से, नहीं तो कच्चा तेल रहता होता है क्या कि वो ऊपर आज के पूरा फैल जाता है, कच्चा कच्चा स्मेल भी आने लगता है। इसलिए सब खाना बनाते समय, सब्जी वगैरह बनाते समय इस सब का बहुत केयर करना पड़ता है कि अजीब सा उसमें कच्चापन सा ना आए, तो इसीलिए पूरे अच्छे तरीके से गर्म हो। अब गर्म हो गए, ये प्याज है जो मैं अब डालने जा रही हूँ, बहुत थोड़ा सा प्याज इस तरीके से डालूँगी। और एक लाल मिर्चा भी ऐसे खड़ा ही मैं तोड़ के डाल दे रही हूँ, और ये इसे और वो एक पीसती हूँ, तो इससे दोनों से कलर ठीक ठाक आ जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं डालना होगा। तो ये देखिए गैस की फ्लेम मैं थोड़ा सा तेज कर दी हूँ, गर्म नहीं हो रहा था, तो गर्म हो जाए प्याज मैं डाल दी हूँ और मेरा बना रहा है। ये देखिए प्याज मैं डालने जा रही हूँ इसमें, ये देखिए तेल गर्म हो गया, प्याज मैं डाल दी, आवाज़ कर छिटक रहा है पूरा तड़ता, उसी को मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो ऐसे था, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी इसलिए अब मसाला, ये देखिए मेरा जो राजेश मसाला, बहुत अच्छा ही मसाला होता है, आप लोग कभी टेस्ट करिएगा राजेश मसाला। तो ये पूरा एकदम गर्म मसाला खड़े मसाले से बना हुआ रहता है, पैकेट का आता है, तो उसी से बड़े पैकेट में आता है, तो इसी में मैं का ये देखिए मैं थोड़ा सा ही मसाला बन निकाल लूँ, बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि दिक्कत होती है मसाला वगैरह खाने की, तो हम लोग को खाने में अच्छा लगता है बट फिर होता है कि दिक्कतें बढ़ जाती हैं, पहले तो नहीं समझ में आता, बाद में समझ में आता है क्या सही होता है क्या गलत। तो ये देखिए कुछ तरीके से मेरा प्याज हो रहा है, मैं इसी तरीके से ला रही हूँ, मैं कुछ खाने लगी, बाबू ला के दिया, मैं खा रही थी, मैं खाते खाते आप लोगों से बातें भी कर रही थी। ये देखिए प्याज हो चुका, जो ये पेस्ट मेरा है अदरक लहसुन प्याज का, ये मैं इसे डाली हूँ, इसे मैं डाल के फिर मैं थोड़ा चला के ढक दूँगी इसे कि अच्छे से होने लगे। और होने तक जब तक ये तेल नहीं छोड़ता है तब तक समझिए होता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे पहले सारा डालने के बाद ढक दूंगी, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ। और क्योंकि धुला जाने पूरा उसमें लगा रहता है जार में, ये देखिए मैं अक्सर पलटा कम यूज पलटा कल्चर जो होता है ये सब चीज़ें मैं बहुत कम यूज करती हूँ, चाहे अक्सर ऐसे इसी तरीके से चलाती हूँ, चाहे फ्राई पैन हो चाहे ये, बस कढ़ाई में यूज करना पड़ता है अधिकतर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसे भून रही हूँ अच्छे से, जो लहसुन अदरक का पेस्ट सब था प्याज का, तो ये अच्छे से भुना जा रहा है। तो अभी देखिए थोड़ा देर मैं इसे ढक देती हूँ, तो ढकने से होगा कि इसका स्मेल और सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये तेल छोड़ने लगा, भुना चुका है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ जा रहा है। अभी मसाले नहीं पड़े, अब इसमें मसाले भी मैं ऐड करूँगी, जो जीरा उरा था वो तो इसमें डाली ही थी। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से मेरा तेल छोड़ दिया है प्याज, तब इसे मसाला ऐड कर देती हूँ। देखिए ये देखिए मेरा मसाला ऐड हो रहा है, और मसाले की भी बहुत थोड़ा था मैं दिखाई ही, लेकिन इसका देखने और खाने में भी स्वाद फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए इस तरीके से कुछ इस मसाले को भी इतना भूजिए, मैंने बहुत तेज़ आंच में नहीं, बहुत धीमी धीमी फ्लेम रहे उस पर भुनिए, तो जैसे इसका मसाले जब तेल छोड़ने लगते हैं तभी सब्जी मसाला समझिए भुना जाता है अच्छे से। तो देखिए कुछ इस तरीके से मसाला मेरा तेल छोड़ दिया है,
अब मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा भून के फिर इसके बाद इसे अच्छे से थोड़ा सा स्मेल आ जाए नीचे। अब ये थोड़ा थोड़ा पकड़ना भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखो कुछ इस तरीके से फिर इसके बाद, और देखिए कुछ इस तरीके से मसाला पूरी अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी कटहल। अब हो चुका है ये कटहली तो ये देखिए अच्छे से इसे ऐड कर रही हूँ और अब इसमें मिला देती हूँ। मिलाने के बाद थोड़ा सा मैं पानी, बहुत ज़्यादा तो इसमें पड़ता नहीं है, थोड़ा सा पानी पड़ेगा और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप इसे प्लीज़ ट्राई करिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर भी लग रहा है इसमें देखने से। मेरे कैमरे हिल रहे हैं और देखने देते तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और कटहरी खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नए हो तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया, नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छे से मैं शेयर कर दी, बट कैमरा हिल रहा था, थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। तो चलिए अब पक जाता है, उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नए हो तो ज़रूर, और लाइक कमेंट तो कर ही दीजिएगा कैसा बना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कलर हो ही गया है इसका, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे नहीं वो मटन मुर्गा मीट वाला चीज़ें देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए सब्जी पीस वीस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी सब्जी हो गई है जो आप लोग को खिला दी मैं। बाय बाय गाइस।